Gentlemen, assalamu alaikum and welcome to another video lecture. Never stop learning. It increases your knowledge and provides you the opportunities of respectful earning. Let's get started. My dear students, हमें अक्सर लोगों और चीज़ों की अहमियत और कदर तब होती है जब वो मौजूद ही नहीं होती। जैसा कि अगर एक दिन दूध वाला दूध देने ना आए या आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो और टायर शॉपी बंद हो तो उस वक़्त आपको उन लोगों की कदर होती है। आजकल COVID-19 के लॉकडाउन की वजह से तो हमें बहुत से लोगों और बहुत सी चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हम अपने या किसी और के शोबा, फील्ड या प्रोफेशन को भी अहमियत नहीं देते। खास तौर पर नर्सिंग तो एक इंतहाई कम कदर की निगाह से देखे जाने वाला प्रोफेशन है। नर्सिंग शोबा को उस तरह की कदर की निगाह से नहीं देखा जाता जैसा कि हम किसी और काम या शोबाई जिंदगी को कदर की निगाह से देखते हैं। इस कहानी All is not lost, सब कुछ खत्म नहीं हुआ में आपको पता चलेगा कि नर्सिंग के काम की मुखलिस काविशों और पुख्ता अजम से किस तरह लोगों की जिंदगियां बचाई जा रही हैं और उन्हें माजूर होने से बचाया जा रहा है। चलें शुरू करते हैं। It was the beginning of my profession as a nurse. बहसियत नर्स, एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे की इब्तिदा थी। I worked in the intensive care unit of neurology ward. मैं आसाबी वार्ड के शोबा में काम करती थी। Intensive care unit शोबा इंतहाई निगहदाश्त। Neurology आसाब से मुतअल्लिका, निज़ाम आसाब, इसको हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। दिमाग से और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को आपस में रब्ता करवाने के लिए जिस्म के अंदर एक किस्म की आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है अलग अलग अस्पी निज़ाम। इंटेंसिव केयर यूनिट ये नॉर्मल जो वार्ड्स होते हैं उनसे एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वार्ड होता है जिसमें ख़ास किस्म की दवाइयाँ और ख़ास किस्म का इक्विपमेंट, ऑपरेटर्स या मेडिकल के आलात मौजूद होते हैं जिसमें ऐसे मरीज जो कि इंतहाई नाजुक हालत में अस्पताल में लाए जाते हैं उनका इलाज किया जाता है। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाना चाहती। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द patients making quick recoveries from devastating accidents. मरीजों को तबाहकुन हादसात से जल्द सेहतयाब देखकर मुझे खुशी होती थी। Devastating accidents, जानलेवा हादसा, ऐसे हादसात जिसमें आप मरते मरते बचे। Quick recoveries, जल्द सेहतयाब होना, ठीक हो जाना। Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. जब मैं ऐसे मरीजों का इलाज करती थी जो कि शदीद किस्म के आसाबी मसाइल का शिकार होकर हमारे पास आए हैं तो मैं खुद भी उनके दर्द में मुब्तला हो जाती थी। पेन, तकलीफ में मुब्तला हो जाना, मरीज का दर्द महसूस करना, स्ट्रक, पेश आना, शिकार हो जाना, एक्यूट, शदीद किस्म, न्यूरोलॉजिकल, आसाबी, डिसऑर्डर, मसाइल, बदनज़मियां। नर्स का लफ्जी माना दायागीर होता है, इसको हम आया भी कह सकते हैं या अगर आम तौर पर हम इसको सिर्फ लफ्जी मानो में लें तो मेडिकल की फील्ड में तो हम नर्स को नर्स ही कहेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो आपका ख्याल रखता है उस वक्त जबकि आपको अशद जरूरत होती है कि कोई और शख्स आपका ख्याल रखे, इसको हम नर्सिंग कहते हैं। टू नर्स, ख्याल रखना, जिस तरह के हम बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो टू नर्स द चिल्ड्रन। What is an ICU in the hospital? An intensive care unit is a special department of a hospital or healthcare facility that provides intensive care medicine and apparatus. ये किसी भी अस्पताल में शोबा इंतहाई निगहदाश्त एक खास शोबा होता है जिसमें इंतहाई निगहदाश्त की दवाइयाँ और आलात मौजूद होते हैं। One day, standing at the beside of a young patient, एक दिन हादसा की शिकार एक नौजवान लड़की के साथ जब मैं खड़ी थी, I wondered if he could make the same recovery like others. मैं हैरान थी और परेशान थी कि क्या ये भी दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो पाएगी। Hira had received severe head and spinal injuries. Hira को बहुत शदीद किस्म की सर और रीढ़ की हड्डी की चोटें आई थी। As he was hit by a speeding bus while crossing a busy रोड, जबकि वो एक मसरूफ सड़क को पार कर रही थी तो तेज रफ्तार बस से उसकी टक्कर हो गई। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने अपने हाथों में उसके बेजान बाजू उठाए और मुख्तलिफ वर्जिशें करवाने की कोशिश की लेकिन उनका कुछ फायदा ना हुआ, वो बेसूद गईं, बेकार साबित हुईं। हेरा नामी एक मरीज हॉस्पिटल में आया है जो कि शदीद बीमार है और उसको बहुत सख्त
किस्म के जख्म आए हैं और चोटें आई हैं बस से टक्कर के बाद, और ये नर्स उसके साथ उसके इलाज के लिए खड़ी है। चूंकि ये खुद अपने प्रोफेशन में नहीं थी, तो जब भी बंदा प्रोफेशन में नया होता है तो सीखने की गर्ज से और लोगों की मदद करने की गर्ज से उसका जज्बा बहुत बुलंद होता है। Also, I asked her younger sister to come and talk to her. इसके अलावा मैंने उसकी छोटी बहन से भी कहा कि वो आए और उससे बात करे। Thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. मैंने ये सोचा कि इसके अजीज़ो अकारिब में से, इसके नज़दीकी और प्यारे लोगों में से जब कोई इससे बात करेगा तो इसके तकरीबन मुर्दा आसाब शायद हरकत करे। She could see but not talk. वो देख सकती थी मगर बोल नहीं सकती। Her eyes showed a certain helplessness. उसकी आंखों में एक खास किस्म की लाचारगी थी। Certain, मखसूस, helplessness, मजबूरी, लाचारगी, बेचारगी। जब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है, आप इंतहाई मजबूरी के आलम में होते हैं। I could read her mind through her eyes. मैं उसकी आंखों से उसकी दिमागी हालत पढ़ सकती थी, देख सकती थी, समझ सकती थी। Perhaps she wanted to say, please help me. शायद वो ये कहना चाहती थी कि मेरी मदद करो, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। सोचें, एक शख्स जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और टूटी हुई हड्डियों और टूटे हुए जिस्म के साथ वो एक हॉस्पिटल में पड़ा हो, तो उसको तो हर बंदा मसीहा नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो मजबूर है पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। इवन अगर जिस्म के किसी हिस्से पे बंदे को थोड़ी सी खुजली या खारिश भी हो जाए तो वो इतना मजबूर है कि वो उसको भी नहीं कर सकता। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के हालात से बचाएं और हमारे प्यारों को भी बचाएं, और स्पेशली रोड के ऊपर हम जो यंग हैं, अगर हम खुद ड्राइव कर रहे हैं या हमारा किसी भी हवाले से ऐसी जगह से गुजर हुआ है जहां से ट्रैफिक की आमदोरफ्त है, वहां पे हमें इंतहाई एहतियात की जरूरत है। खुदा नखास्ता अगर जवानी में ही इंसान किसी हादसे से दो चार होने के नतीजे में मुस्तकिल माजूरी की तरफ चला जाए तो बाकी जिंदगी तो इम्तिहान बन जाएगी। This is a question which is given in your book. To what extent does the recovery of a patient depend upon the doctor and the nurse? किस हद तक एक मरीज की सेहत याबी डॉक्टर और नर्स के ऊपर मुनहसर है? Vital part of the patient's recovery depends on the efforts of the doctor and nurses. एक बहुत ज्यादा हिस्सा सेहत याबी का इस बात पर मुनहसर है कि डॉक्टर और नर्स कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन अजीज़ो अकारिब, तीमारदार, खुराक और एहतियात और दवा का बरवक्त इस्तेमाल, ये भी ऐसे अवामिल हैं जिससे मरीज अपनी सेहत को जल्द से जल्द दोबारा हासिल कर ले। A fellow nurse came near me and asked. एक साथी नर्स मेरे पास आई और पूछा, राहिला, what are you doing? ये जो नर्स थी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम राहिला है। आप क्या कर रही हैं? Fighting a lost battle. एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। हारी हुई जंग का मतलब कि इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी तुम कोशिश कर रही हो। I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. मेरे साथी का ये ना उम्मीदी भरा तबसरा सुनकर मुझे बहुत सदमा हुआ। शॉक, हैरान रह जाना, सदमा हो। कोलीग, वैसे कहते हैं फेलो, फ्रेंड, साथी, लेकिन जो ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं और उनकी दोस्ती आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में काम करने की वजह से होती है, उनको हम कोलीग्स कहते हैं। होपलेस, ना उम्मीद। कमेंट, तबसरा करना, अपनी राय का इजहार करना, जिस तरह आजकल हम यूट्यूब पे वीडियोस के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम तबसरा कर रहे होते हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। देन आई रिप्लाइड, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस। फिर मैंने जवाब दिया कि मैं इसके दिमाग को इसकी बहन की आवाज से दोबारा बहाल करने की, रवां करने की कोशिश कर रही हूं। आल्सो आई एम डूइंग माय बेस्ट टू एंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज। और मैं इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूं कि इसकी टांगों और इसके बाजुओं को मुकम्मल वर्जिश कराऊं, भरपूर वर्जिश कराऊं। This might help her walk like a normal person. इससे शायद वो एक आम इंसान की तरह चल फिर सके। Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर वहां पर आया। He gave me an ironic smile and said,
उसने एक पुख्ता मुस्कुराहट के साथ मुझे देखते हुए कहा। आयरोनिक कहते हैं सितम जरीफी या ताना देने वाला तरीका जो होता है ना देखने का, इस तरह कहें कि आप इस मरीज को छोड़ें और दूसरे मरीज के पास चले जाएं। एक ये भी बात करने का तरीका है, लेकिन अगर तुम इसी मरीज पर खड़ी रहोगी तो बाकी मरीजों का ख्याल कौन रखेगा, एक ये भी तरीका है। तो ये जो दूसरे वाला जुमला मैंने बोला है इसमें थोड़ी सख्ती है, सितम थोड़ा जुल्म का अंसर शामिल है, इसको हम आयरोनिक लैंग्वेज कहते हैं। ये खास तौर पर जब आपने किसी को तंग करना हो या परेशान करना हो तो तब इस तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है। इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट वील हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेस टू अटेंड द अदर पेशेंट्स। अगर आप अपनी ड्यूटी के दौरान एक ही मरीज को इतना वक्त देंगी तो फिर हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए और नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। रिक्रूटमेंट भर्ती करना, नौकरी पर लेना, काम के लिए बंदों को सिलेक्ट करना, अटेंड देखना, ख्याल करना, तवज्जो देना। प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, बराए मेहरबानी जाएं और दूसरे मरीजों को भी तवज्जो दें। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, इस मरीज के लिए हम ज्यादा पुर उम्मीद नहीं हैं। डॉक्टर भी समझ रहा था कि हीरा जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बच नहीं सकेगी, या अगर बच भी गई तो वो अपने पांव पर दोबारा खड़ी नहीं हो सकेगी। और इसी एक बात के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मैं नहीं समझता कि ये दोबारा चल सकेगी। Passage 4. I was upset. मैं परेशान थी. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज को नजरअंदाज करने की नसीहत मुझे कुछ दुरुस्त नहीं लगी. यहाँ पर लफ्ज यूज हुआ है एडवाइस, ये नाउन है, सी के साथ एडवाइस नसीहत, लेकिन अगर ये एस के साथ हो एडवाइस तो वो बन जाता है वर्ब नसीहत करना। आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मुझे पता था कि मरीजा आसाबी तोड़फोड़ के तकलीफ देह अमल से गुजरी है। न्यूरल डैमेज आसाबी तोड़फोड़, सफर्ड बर्दाश्त करना, तकलीफ से गुजरना। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका की जरूरत थी। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक ट्राई वंस फॉर हर, मुझे अपने खुद में से एक आवाज सुनाई दी, इसके लिए एक कोशिश और करें। इनर वॉइस दिल की आवाज, आपके जमीर की आवाज। जब आप खामोश होते हैं तो आप खुद से बात कर रहे होते हैं, जब आप सोच रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर वॉइस। This question is given in your book. What do you infer about her professional skills from the expression try once for her? Try once for her जुमला से आप नर्स की पेशावराना महारतों के बारे में क्या नतीजा अखज करते हैं? Infer नतीजा निकाल। She displayed true professionalism and she did not lost hope for the recovery of her patient. नर्स ने अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया और उसने उम्मीद बरकरार रखी और वो अपनी मरीजा के सेहत याब होने के बारे में पुरउम्मीद थी। ये नर्स का प्रोफेशनलिज्म है। अगर वो खुद ही कह देती कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो सकती तो फिर तो उस बेचारी ने कौन उसका ख्याल रखता। जिस तरह के डॉक्टर ने कहा तो डॉक्टर ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा नहीं किया, उसने उम्मीद खो दी। जबकि नर्स, क्योंकि ये एक नई नर्स थी, इसमें जज्बा ज्यादा था, ये मेहनत करना चाह रही थी, मरीजों का ख्याल रखना चाह रही थी, तो उसने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी मरीजा की सेहतयाबी के बारे में पुरउम्मीद थी। अब चूंकि नर्स परेशान थी अपने मरीज के बारे में, आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली। मैं सीनियर नर्स के पास गई और उनको बताया कि मैं इस मरीज के मजीद करीब रहकर काम करना चाहती, उसका ख्याल रखना चाहती। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज एंड रिमार्क्ड दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू जनरल वार्ड। सीनियर नर्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से सख्त अहकामात हैं कि इसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। ICU इंतहाई निगहदाश्त, लेकिन जनरल वार्ड जिसमें निगहदाश्त की आलात भी कम होते हैं और दवाइयां भी उस तरह की नहीं दी जाती, जबकि वो मरीज तो सीरियस थी, लेकिन चूंकि डॉक्टर अपनी होप उम्मीद खो चुका था इसलिए उसने कहा कि ये बेड खाली करवाएं और इसको जनरल वार्ड में भेजें। अटर सरप्राइज, इंतहाई हैरत, रिमार्क्ड जवाब देना, ऑर्डर्स अहकाम हिदायत। द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज अ होपलेस केस एंड द बेड मस्ट बी
spared for other patients. डॉक्टरों का ये ख्याल था कि ये मरीजा एक नाउम्मीद मरीज है, ये ठीक नहीं हो सकती और हमें बिस्तर को किसी और मरीज के लिए खाली करवा लेना चाहिए। किसी हद तक देखा जाए तो ये सिचुएशन आईसीयू में होती भी है, क्योंकि जब उसमें आईसीयू चंद बेड होते हैं उसमें और उसमें इमरजेंसी वाले पेशेंट्स आ रहे होते हैं, और अगर एक ही मरीज को वहां पे बहुत ज्यादा देर वो लेटा के रखेंगे और इलाज करते रहेंगे तो बाकियों के लिए इन्हें बेड अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ये जो केस था इसमें नर्स को उम्मीद थी कि मेरा मरीज सेहतयाब हो जाएगा। इस पैसेज में नाउंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ प्लेस, पर्सन और थिंग। इस पैराग्राफ में जो नाउंस यूज हुए हैं उसमें नर्स, वर्क, पेशेंट, सरप्राइज, ऑर्डर्स, शिफ्ट, बेड, वार्ड, केस, ये अल्फाज शामिल हैं। इनमें कुछ प्रॉपर नाउंस हैं, कुछ कॉमन नाउंस हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉमन और प्रॉपर दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, कुछ काउंटेबल हैं, कुछ अनकाउंटेबल हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इसके लिए आप मेरी नाउंस के बारे में अलग से जो एक वीडियो बनी हुई है उसको आप देखें, उसमें मैंने सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे तो नाउंस के बारे में आपकी तमाम कन्फ्यूजन जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। I was shocked to hear this. ये सुनकर मैं हैरान रह गई। The patient's family also requested me to help them fight the case. मरीजा के खानदान ने भी मुझसे इस मामले को हल करने के लिए दरखास्त की। Requested, सिफारिश करना, दरखास्त करना, fight, हल करना, लड़ाई करना, तगोदो करना, कोशिश करना। Something needed to be done. कुछ करना बहुत जरूरी था। I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं अपनी मरीजा को एक हारी हुई जंग तनहा लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। A lost battle, जिसमें कोई उम्मीद ना हो कि आप जीतेंगे, लेकिन फिर भी आप लड़ रहे हो। On her own, खुद से, अकेले, तन्हा। I made up my mind to risk my career and help the patient. मैंने इरादा कर लिया और अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया, लेकिन मैं मरीजा की मदद करने के लिए पुरअज़्म थी। Attend, ख्याल कर। करियर होता है आप जब एक जॉब में चले जाते हैं, दैट इज जॉब, लेकिन उस जॉब में आपकी जो प्रमोशंस होती हैं, आपकी जो पोस्टिंग्स होती हैं, एक खास टाइम के बाद आपका जब पे स्केल इंप्रूव होता है, तनख्वाह बढ़ती है, तो इसको करियर कहते हैं। आप प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं, काम सीखते हैं। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट। मैंने सीनियर डॉक्टरों से गुजारिश की कि मुझे इस नौजवान लाचार मरीजा पर तवज्जो देने की इजाजत दी जाए। Somehow, I was able to make the patient stay in the ICU. किसी न किसी तरह मैं मरीजा को शोभा इंतहाई निगहदाश्त में रखने के काबिल हो गई। ICU, शोभा इंतहाई निगहदाश्त। इंतहाई निगहदाश्त बहुत ज्यादा ख्याल यहाँ पर रखा जाए। Passage 6. I continued to work on Hira. मैंने हिरा की देखभाल जारी रखी। But she was not making much recovery. लेकिन उसकी सेहत को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। I felt as hopeless as she was to see her lie on bed in a miserable state. मैं भी उसको देखकर खुद को उतना ही लाचार महसूस करती थी जितना कि वो बिस्तर पर लेटी हुई खुद को लाचार महसूस कर रही थी। ना वो कुछ कर सकती थी, ना मैं कुछ कर सकती। लाई, लाई डाउन, लेटना। टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। इसके दो मानी है, लेकिन यहाँ पर लेटना, आराम करना, सीधे कमर के बल लेटना। मिजरेबल स्टेट, बहुत बुरी हालत। ना गुफ्ता, बेहालत। आप कोशिश करें कि इंग्लिश के साथ साथ उर्दू को भी सीखें। ये बहुत जबरदस्त जबान है, बहुत मीठी शीरी जबान है। ना गुफ्ता, बेहालत। जवाज पेश करना, बे यारो मददगार, सेहत याबी। इस तरह के अल्फाज अभी हम इस्तेमाल करना खत्म कर रहे हैं। और आजकल तो स्कूल में कहते हैं कि बच्चों की उर्दू वीक है, हालांकि ये हमारी कौमी जबान है, तो उसमें आपने कोशिश करनी है। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंस बिफोर the senior doctors? क्या अपने senior doctors के सामने मैं अपने मौकिफ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकूंगी? कौन सा मौकिफ? कि उसने कहा था कि मुझे इस मरीज के पास रहने दें, मुझे इसका ख्याल करने दें, इसको ICU से मत निकालें, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। ये उसका जवाब था। जबकि डॉक्टर्स क्या कह रहे थे कि हमें इस केस में कोई उम्मीद नहीं है और इसको हम ICU से निकाल कर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आई डिड नॉट लॉस होप। मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आई कंटिन्यूड टू वर्क विद पेशेंट्स एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेस विद हर। मैंने सब्र तहम्मल से काम लिया और उसके साथ साथ मरीजा की वर्जिशें भी जारी रखी। ये जो आसाबी मरीज होते हैं जिनको आसाब का मसला बन जाता है, उसको फिर हल्की फुल्का मसाज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जिस तरह के आपको मैंने पीछे वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये करवाते रहते हैं ताकि उसके मसल्स में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती रहे और वो ठीक हो जाए। ग्रेजुअली आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने मरीजा में मामूली सी बेहतरी को महसूस किया। वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर।
एक दिन तो मैं ये देखकर बहुत खुश हुई कि मरीजा ने अपनी छोटी उंगली को हरकत दी है, लिफ्टेड उठाया है, हरकत दी है। थ्रिल्ड, पुरजोश हो जाना, खुश हो जाना, दोबारा हौसले में आ जाना। All was not lost, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। तो ये उम्मीद है और हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। और कहते हैं कि उम्मीद हमेशा अच्छे की करो, जैसा आप उम्मीद करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। I was sent on a 3 months training course to Karachi. मुझे एक तरबियती कोर्स के लिए 3 माह के लिए कराची भेज दिया गया। ट्रेनिंग, तरबियत, कोर्स, उर्दू में इसको कहते हैं दौरानिया। तो जो भी ट्रेनिंग होती है उसका एक खास टाइम होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो आजकल हम कोर्स को कोर्स ही कहेंगे, लेकिन इसको उर्दू में कहते हैं दौरानिया, एक खास वक्त। I made all possible attempts to leave my patient in good hands. मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपनी मरीजा को किसी अच्छे बंदे के हवाले करके जाऊं। In good hands, अच्छे हाथों में, जो उसका ख्याल रखें। I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. 3 बार बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी मरीजा अपने बिस्तर पर नहीं है, जबकि उसका बिस्तर किसी और मरीज ने ले लिया है। My feet froze to the ground. मेरे पांव जमीन पर जम गए, मुंजमित हो गए। वो परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे मेरा मरीज फौत तो नहीं हो गया, या इन्होंने दोबारा उसको जनरल वार्ड में तो नहीं शिफ्ट कर दिया और वहां पर तो उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होगा, उस तरह की मशीनें भी नहीं होगी, उस तरह की दवाइयां भी नहीं होंगी, तो वो ठीक कैसे होगी। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, मुझ में ये हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पूछ सकूं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मेरे मरीज को, क्या किया आपने। तो इससे उसके प्रोफेशनलिज्म का पता चलता है, वो अपने मरीज के बारे में कितनी कंसर्न्ड है, कितनी परेशान है, कितना उसने अपने काम को संजीदगी से लिया हुआ है। Passage 8. As I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. मेरे दिमाग में कई किस्म के सवाल उभर रहे थे जब मैं उस बिस्तर के पास खड़ी थी। अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हल्की सी थपकी महसूस की। पॉपिंग, जिस तरह बुलबुले नहीं बनते और फट जाते हैं, बनते हैं और फट जाते हैं, इसी तरह मेरे दिमाग में भी कई सवाल आ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे, उस मरीजा के मुतल्लिक कि क्या हुआ उसके साथ। जेंटल पैट, नरम सी थपकी। आई टर्न्ड अराउंड एंड सी अ यंग वुमन स्माइलिंग एट मी, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान खातून मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। Are you looking for your patient? क्या आप अपनी मरीजा को तलाश कर रही हैं? She said and gave me a big hug. उसने ये कहा और मुझे गले लगा लिया। Hug, गले मिलना। Thank you for everything you did. उस तमाम के लिए शुक्रिया जो आपने किया। I know you did not allow them to make me lead a crippled life. मुझे पता है कि आपने उन्हें ये इजाजत नहीं दी कि मैं पूरी जिंदगी अपाहिज बनकर गुजार दूं। Crippled, अपाहिज, lead, गुजारना, रहना, जीना। Passage 9. I stood still until her family came around with big smiles on their faces. मैं साकिन खड़ी रही हत्ता के उसके खानदान के लोग मेरे आसपास इकट्ठे हो गए और वो मुस्कुरा रहे थे। Came around, इर्द गिर्द आना। Thanks to Allah, अल्लाह का शुक्र है। She was my patient, वो मेरी मरीजा थी। Standing and walking on her own feet, अपने पांव पर खड़ी और चलती हुई। I could not recognize her without the machinery and tubes. मैं उसको तिब्बी आलात, नलियां और मशीनें जो उसको लगी थी उनके बगैर पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि जब वो कोर्स पर मरीजा को छोड़ के गई थी तो वो तो बेड के ऊपर लेटी ही थी और उसको खून में लथपथ, जख्मों से चूर चूर और जिंदा थी वो, जो उसको इंतहाई निगहदाश्त के आलात लगे हुए थे और ट्यूब्स लगी थी उनकी वजह से उसकी सांस भी चल रही थी और तमाम जो मरीज के मामलात होते हैं वो सारे। अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के साथ आस पास। She walked on crutches, which she would leave in a few months. वो बैसाखियों के सहारे चल रही थी जिन्हें वो कुछ महीनों में ही छोड़ देगी, मतलब कि वो बैसाखियां अभी कुछ महीने बाद उसको जरूरत नहीं होगी, वो खुद चलना शुरू कर देगी। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी मेहनत रंग ले आई। बोर फ्रूट, फल लगना, मेहनत बराबर होना। ग्लैड, खुश। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज्यादा, आई वॉज हैप्पी दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प्ड मी विन अ लॉस्ट बैटल, अल्लाह ताला ने मुझे एक हारी हुई जंग जीतने में मदद फरमाई। Gentlemen, last passage. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. Hira, वो मरीजा और उसके खानदान वाले मेरे साथ काफी करीबी दोस्ती के रिश्ते में बंध गए। बॉन्ड, बंध जाना, ताल्लुक कायम हो जाना। कंसिडरेबल, बहुत ज्यादा, काफी। फ्रेंडशिप, दोस्ती। आई वॉज हम्बल्ड बाई देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मी,
उनके आजजी भरे रवैये से मैं खुद को इंतहाई शुक्रगुजार महसूस कर रही थी। हम्बल, शुक्रगुजार महसूस करना, धीमा हो जाना, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आजजी का रवैया, आजजी के रवैये का एहसास, इनके सारी, जिसमें मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मुझे खुद में एक नई ताकत भरती हुई नजर आई। जब भी आप कोई काम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप थक जाते हैं, लेकिन अगर उसे आपको नतीजा मिलना शुरू हो जाए तो आप एकदम खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं। जिस तरह आप एक क्रिकेट का मैच खेलें तो पूरे 50-50 ओवर्स का मैच खेलने के बाद, थक हारने के बाद, अगर आपकी टीम जीत जाती है तो एकदम आप में एनर्जी भर जाती है, और अगर आप हार जाते हैं तो एकदम जो थोड़ी बहुत बची हुई एनर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये एक ज़र्बुल मिसल है, जहां चाह वहां राह, यानी कि अगर आप चाहत करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ते भी बना देंगे। और इसको उर्दू में हम इस तरह भी कह सकते हैं, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा, अगर आप हिम्मत करें मदद अल्लाह ताला की तरफ से आएगी। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे खुद के नर्स होने पर फख्र महसूस हो रहा था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी से उम्मीद है आपको पता लगा होगा कि नर्सिंग का शोबा कितना जरूरी है। डॉक्टर्स बेशक मरीज का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ चीजें प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, अहकाम दे रहे होते हैं, लेकिन टाइम पर मेडिसिन देने से लेकर इंजेक्शन लगाने तक, ड्रिप्स लगाने तक, मरीज के तमाम मामलात का ख्याल रखना नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। माई डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्यूरी और कंफ्यूजन, प्लीज आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। जेंटलमैन, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखें। आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।